हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिकाजी चैनल। यहाँ मैं आपको रोज सिखाता हूँ 10 वोकैब्स। तो आज भी हम सीखेंगे 10 वोकैब्स। तो 10 वोकैब्स आप मेरे साथ सीखते जाइए और अपने वोकैब के भंडार को बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे आपका वोकैब बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप इंटेलिजेंट होते जाएंगे और आपका भंडार बढ़ेगा, तो आपकी कॉम्पिटिशन में के साथ साथ आपको फ्लुएंट इंग्लिश में भी सहायता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, पहली वोकैब देख लेते हैं। पहली वोकैब से हमारी वैकेशन बेंच। द हिंदू की पहली वोकैब से वैकेशन बेंच। वैकेशन बेंच यानी होता है कि रिहाई न्यायालय, जहाँ से रिहाई मिलती है वैकेशन के समय, मतलब छुट्टियों के समय में। जैसे कि अभी न्यायालय की छुट्टियां चल रही हैं, ज़्यादातर जो न्यायालय के जज हैं, जो वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको क्या है, छुट्टी दी गई है। न्यायालय के अंदर एक वैकेशन समय चलता है गर्मियों के समय में, तो इस समय सब छुट्टी पर हैं। तो वैकेशन बेंच इस समय रिहाई देगी। जिन लोगों को रिहाई मिलना चाहिए उनको वैकेशन बेंच रिहाई देगी इस समय में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं इसकी इमेज भी। तो इसकी इमेज देखिए, इसकी इमेज है वैकेशन बेंच। तो इसको कोरिलेट करिए, दिमाग में बिठाइए कि वैकेशन बेंच की इमेज क्या है। इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। सिनोनिम्स है रिलीज कोर्ट। रिलीज कोर्ट यानी रिलीज यानी मुक्त करना, कोर्ट, कोर्ट के द्वारा जहाँ रिहाई मिलती है उसे बोलते हैं रिलीज कोर्ट। तो रिलीज कोर्ट, वैकेशन बेंच काफ़ी अच्छे हैं। अब इसके हम ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक है वैकेशन में वैकेशन बेंच काम करती है। वैकेशन में मतलब छुट्टियों में वैकेशन बेंच काम करती है। वैकेशन में वैकेशन बेंच काम करती है। तो अब आपको मेरे हिसाब से ये याद हो गई होगी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वोकैब। नेक्स्ट वोकैब है हमारी फ्रेंड्स थ्रेटन। थ्रेटन यानी होता है धमकी देना। तो जिस व्यक्ति की इमेज आपके सामने आ रही है, उस व्यक्ति को किसी ने क्या धमकी दे दी है, तो धमकी देने के कारण बेचारा बहुत उदास है। जब अगर किसी व्यक्ति का कोई बच्चा किडनैप हो जाए तो उसको कितना मतलब उदास हो जाता है, कुछ गलत हो जाए। तो इसको किसी ने धमकी दी है कि कल से अगर तुम इस गली से निकले तो मैं डंडा लगा दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा। धमकी उसको दी है, मैं आपकी पिटाई लगा दूंगा, आपको जान से मार दूंगा। उस बेचारे को धमकी मिली है, धमकी मिलने के कारण उसकी बैंड बजी हुई है। तो थ्रेटन, धमकी देना। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसकी ट्रिक। इसकी ट्रिक है सिनोनिम्स इसके, देखिए आप, इंटीमिडेट, ब्रो बीट और ब्लस्टर। इंटीमिडेट, ब्रो बीट और ब्लस्टर, ये इसकी काफ़ी अच्छे सिनोनिम्स। इसकी ट्रिक देखिए, इसकी ट्रिक है थ्रेट है थ्रेटन देना। थ्रेट है बिल्कुल, कल हमने एक मीनिंग पढ़ा थ्रेट फ्री, थ्रेट फ्री यानी जापान। तो आज हम पढ़ रहे हैं थ्रेट है थ्रेटन देना, मतलब थ्रेट है, खतरा है बिल्कुल। जो व्यक्ति धमकी देता है और सामने वाला अगर उससे मजबूत है तो समझिए उसको भी तो खतरा है। मानो कि अगर किसी व्यक्ति ने मुझको धमकी दी है कि बोला है मेरे से कि अगर आप इस गली से निकलोगे तो आपको बंदूक से मार देंगे, हम गोली चलाएंगे, आपको शूट कर देंगे, और मैं उससे भी ज़्यादा खतरनाक हूँ, मैं उसको बोलूँगा अगर तू मेरे को शूट करेगा तो मैं तेरे लिए बम से उड़ा दूंगा, मैं ग्रेनेड फेंक दूंगा। तो इस प्रकार से थ्रेट देना भी क्या है, थ्रेटन है बिल्कुल, धमकी देना भी थ्रेट है, खतरा है उसमें अभी फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वोकैब। नेक्स्ट वोकैब है हमारा मोर्फ, जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है। मोर्फ, मोर्फ यानी होता है रूप। मोर्फ वर्ड आपने पहले सुना होगा, शायद नहीं सुना है तो मैं सुना रहा हूँ आपको। मोर्फ यानी रूप, बहुत अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स। तो मोर्फ की इमेज देखिए, इमेज मोर, देखो कितनी सुंदर रूप है इसका, मोर का। तो मोर की इमेज को देखिए और मोर्ख को देखिए। मोर्ख यानी रूप, और रूप किसका देखिए, मोर का, कितना शानदार रूप है। तो इसकी सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स अपीयरेंस, कंटिनेंस, काउंटिनेंस और फीचर्स, ये इसके फ्रेंड्स सिनोनिम्स। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है मोर का मोर्फ सुंदर है। मोर का मोर्फ यानी मोर का रूप है वो कैसा है, सुंदर है, मन भावन है। अगर मोर को अगर आप देखोगे तो क्या देखते ही रहो, इतना सुंदर लगती है मोर। जब मोर डांस करती है बरसात के समय तो कितनी सुंदर लगती है। तो मोर का मोर्फ सुंदर है, फॉर्म भी होता है इसका एक रूप, परंतु मोर्फ वर्ड काफी अच्छा है, एडवांस इंग्लिश में इसका यूज होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वोकैब। नेक्स्ट वोकैब है फ्रेंड्स हमारी एप्लोगाइज। एप्लोगाइज यानी होता है माफी मांगना, किसी से माफी मांगना। जब हम कभी गलती करते हैं तो हम सॉरी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एप्लोगाइज। एप्लोगाइज यानी होता है माफी मांगना। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी इमेज को देखते हैं। देखिए ज्यादातर देखने को मिलता है कि हस्बैंड ही अपनी वाइफ से क्या करता है, माफी मांगता है। देखिए ये हस्बैंड है, अपनी वाइफ से माफी मांग रहा है। तो माफी मांग रहा है, उसको मांगना पड़ती ही है। एक कहीं आपने सुना होगा कि गलती चाहे कोई किसी की भी हो, परंतु सॉरी कौन बोलता है, हस्बैंड बोलता है। तो हमेशा सॉरी बोल बोल के वो क्या करता है, अपोलोगाइज करता है। ठीक है, अपोलोगाइज मतलब माफी मांगना। फ्रेंड एक मिस्टेक और हो सकती है, APOLO, ठीक है, JISE भी इसकी मीनिंग है, वो अमेरिकन में बोला जाता है और अपन पढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड, तो इसको GISE पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सिनोनिम्स, अपोलोगाइज एंड डेप्लोर, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसकी ट्रिक को देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है बड़ी शानदार है, अपोलो में जाकर अपोलोगाइज किया। अपोलो में जाकर यानी कि किसी व्यक्ति है उससे कुछ मिस्टेक हुई, जैसे कि मैं कहीं जा रहा था, कहाँ जा रहा था, मैं रोड पर चल रहा था, मैं मंदिर जा रहा था, एक व्यक्ति आया, उसने गाड़ी से मुझमें टक्कर मारी और मेरी टांग मानो कि टूट गई। अब मेरी टांग टूट जाने के कारण मुझको, मैं हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो वो अपोलो हॉस्पिटल में आया और क्या करता है, अपोलोगाइज करता है, क्या माफी मांगता है मेरे से कि मेरी मिस्टेक्स है, मैंने आपको टक्कर मारी।
तो अपोलो में जाकर एपोलोगाइज किया, ठीक है फ्रेंड्स, आपको यह याद हो चुकी होगी। और देखिए हस्बैंड हमेशा वाइफ से क्या करता है, माफी मांगता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वोकैब। नेक्स्ट वोकैब हमारा ग्रैनी। ग्रैनी यानी होता है नानी, काफी अच्छा वर्ड है ग्रैनी। ये भी अमेरिकन इंग्लिश में इसको यूज करते हैं ग्रैनी, हमारे यहाँ यूज क्या करते हैं बोल बताओ फ्रेंड्स, हमारे यहाँ करते हैं मैटरनल, ठीक है। तो ये देखिए ये एक नानी है और उसके साथ बच्ची है, तो नानी और बच्ची में काफ़ी अच्छी दोस्ती रहती है। ज़्यादातर कहते नहीं बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है बच्चों जैसा स्वभाव हो जाता है उसका, तो नानी की उम्र बढ़ जाती है तो बच्चों के साथ वो घुल मुल जाती है। आपने कभी सुना है कि मम्मी कहानी सुनाती हो, मम्मी कभी भी कहानियाँ नहीं सुनाती, कहानी सुनाती है नानियाँ, क्योंकि नानी की उम्र हो जाती है, फिर उनको काम तो करना नहीं है, वो एक ही काम करती हैं बच्चों के साथ खेलना, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं सिनोनिम्स। मैटरनल ग्रैंड मदर, ये अपने यहाँ यूज किया जाता है, परंतु अगर एडवांस इंग्लिश में देखें तो ग्रैनी वर्ड का यूज किया जाता है नानी। अब हम देख लेते हैं इसके ट्रिक को, इसकी ट्रिक कितनी शानदार से, ग्रैनी फनी कहानी सुनाती है। ग्रैनी क्या करती है, फनी कहानी सुनाती है, बिल्कुल। जो ग्रैनी होती है आपको कोई ना कोई कहानी, हर किसी के घर में कोई ना कोई ग्रैनी होगी, बिल्कुल सबकी ग्रैनी होती है। तो आप जरा सोचिए, आप इस इमेज को अपने कोरिलेट कीजिए बैकग्राउंड से, आपकी नानी से, आपकी नानी ने आपको जरूर कहानियां सुनाई होंगी। तो नानी ग्रैनी क्या करती है, एक बहुत ही सुंदर और फनी कहानियां सुनाती है, मजेदार, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट वोकैब को। नेक्स्ट वोकैब हमारा बड़ा प्यारा है कंपाइल्ड। कंपाइल्ड यानी होता है संकलित किया, संकलित किया माने असेंबल किया। असेंबल मतलब ये समझिए कि बहुत सारी चीजों से जुड़कर जब एक चीज बनाई जाती है उसे बोलते हैं संकलन करना। तो कंपाइल्ड काफी अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स। देखिए इसकी इमेज देखिए, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर देख लिया आपने। अब सिनोनिम्स देख लेते हैं, असेंबल्ड, अमेस्ड, एडेड। एडेड मतलब जोड़कर बनाया गया हो। इसकी ट्रिक देखिए, कंप्यूटर कंपाइल्ड होकर बनता है, बिल्कुल राइट। आप देख रहे हो कंप्यूटर कभी भी किसी एक चीज का नाम नहीं होता, उसके अंदर मॉनिटर भी होता है, उसके अंदर सीपीयू भी होता है, यूपीएस भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स, माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, सारी चीजों से जोड़कर बनाया जाता है कंप्यूटर। तो उसे हम क्या करते हैं, असेंबल वर्ड का यूज करते हैं, परंतु अभी हम पढ़ रहे हैं कंपाइल्ड, तो असेंबल इसका क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वोकैब को। नेक्स्ट वोकैब हमारा और भी शानदार है रेन गेज। काफी अच्छा वर्ड है, ये कई बार आपको यूज मिलेगा, क्योंकि अब सीजन जो आ रहा है वो रेनिंग सीजन आ रहा है, बरसात का सीजन है, बरसात में रेन गेज वर्ड आपको रोज मिलेगा देखने को न्यूज़पेपर में। रेन गेज यानी होता है वर्षा नापने का यंत्र, कि पता कैसे किया जाए कि वर्षा कितनी हुई है, तो हम रेन गेज से करते हैं। इसकी इमेज देखिए, रेन गेज इस तरीके का होता है जिस तरह आपको दिख रहा है इमेज में, ग्राउंड में लगा हुआ है, ये एक रेन गेज है। तो रेन गेज आपने आज देख लिया है, इससे हम वर्षा का मापन करते हैं कि वर्षा कितने सेंटीमीटर हुई है। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स को। इसके सिनोनिम्स है प्लूवियोमीटर, ये इसका क्या है नाम है, वर्षा नापने वाले यंत्र का नाम क्या है, प्लूवियोमीटर, और वैसे बोलते क्या है इसको, हम रेन गेज। अब हम देखते हैं इसकी ट्रिक को, रेन में रेन गेज का उपयोग करते हैं, बिल्कुल। अगर आपको वर्षा नापनी है कितनी हुई है, तो हम उसको रेन में ही तो करेंगे, गर्मियों में तो चेक कर नहीं सकते हम कितनी वर्षा हुई है, वर्षा होगी तो जब ही तो हम यूज करेंगे रेन गेज का। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसकी, रेन में रेन गेज का उपयोग करते हैं, रेन में, बारिश में रेन गेज का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट वोकैब हमारा देखो, नेक्स्ट वोकैब हमारा फोरकास्ट। फोरकास्ट वर्ड बहुत ही शानदार है, अनुमान लगाना, पूर्वानुमान। जैसे कि आजकल देखो आप न्यूज़पेपर, कोई सा भी न्यूज़पेपर खोलिए आप, कोई भी आप न्यूज चैनल को खोलना, आप वो सब कोई अनुमान लगा रहा है, पूर्वानुमान, पहले से ही सोच रहा है कि प्रिडिक्ट कर रहा है कि मोदी जी की कितनी सीट आएंगी, क्या मोदी जी इस बार सरकार बना पाएंगे क्या। तो ये क्या हो रहा है, फोरकास्ट, पूर्वानुमान, जो पहले से ही अनुमान लगाया कि इस बार शायद बारिश अच्छी होगी, शायद इस बार मानसून जल्दी आएगा, शायद मानसून आ भी चुका है, तो मानसून 6 तारीख को आएगा। मतलब ज्यादातर लोग सोचने लगते हैं, पहले से ही अनुमान लगाने लगते हैं, जैसे कि आजकल न्यूज़पेपर में आ रहा है कि केरल में मानसून 6 जून को पहुंच जाएगा, कहाँ, केरल में, तो धीरे धीरे हमारे साइड भी आ जाएगा दिल्ली तक, ठीक है। तो पूर्वानुमान, फोरकास्ट, इसकी इमेज देखिए, इसकी इमेज देखो, ये व्यक्ति दूर से दूरबीन लेकर देख रहा है, और किन पर खड़ा है, वो किताबों के ऊपर खड़ा है। इसका मतलब क्या है, पहले उसने किताबों पर खड़े मतलब पढ़ाई की, काफी अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद वो उन्हीं के ऊपर खड़ा हुआ, और फिर चेक कर रहा है बड़े ध्यान से कि भाई अनुमान लगा रहा है क्या होने वाला है। जैसे कि मान लो कि सामने से स्टॉर्म आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो व्यक्ति देख के चेक करता है कि कितनी देर में आने वाला है, कैसा तूफान है, ठीक है, तो वो चेक कर रहा है कि भाई क्या होने वाला है। तो पहले से पूर्वानुमान लगाना होता है, फोरकास्ट, काफी अच्छी इमेज है। हम देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स को, स्पेकुलेशन, फोरटेल और प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन वर्ड सुना होगा शायद आपने, फोरटेल और स्पेकुलेशन काफी अच्छे वर्ड्स हैं। अब हम देखते हैं इसकी ट्रिक को, फोर लोग फोरकास्ट करते हैं। ज्यादातर जब भी पूर्वानुमान लगाया जाता है तो वो कोई एक व्यक्ति नहीं लगाता, 4-5 लोग एक टीम होती है, तो 4 लोग, 4 लोग फोरकास्ट करते हैं, FORE, ये FOUR, तो फोरकास्ट और 4 लोग को आप बिल्कुल क्या करना है, इसको कोरिलेट करना, तो आपको ये याद हो जाएगा, 4 और फोरकास्ट।
तो चार लोगों का एक पैनल बैठा होता है, वो पैनल क्या करता है, फोरकास्ट करता है। आज भी समय भी आप देखो कि न्यूज चैनल पे चार लोग बैठे होंगे, बता रहे होंगे शायद जी आपके जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनके अनुसार मोदी जी की सरकार नहीं बने लगता है, परंतु नहीं भी बन सकती है, कोई बोल रहा होगा बनेगी। तो सब पूर्वानुमान लगाते हैं, कौन, चार लोग। तो एक पैनल होता है, एक जज का भी पैनल होता है, जब कोई न्यायपीठ होती है जो अभी हम पढ़ रहे थे वैकेशन बेंच, वहां भी तीन जज बैठते हैं, तो एक पैनल होगा, चार लोग फोरकास्ट करते हैं, फोर लोग फोरकास्ट करते हैं। काफी अच्छी मीनिंग है, नई मीनिंग देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वोकैब है रेन क्लाउड्स। रेन क्लाउड्स यानी होता है वर्षा के बादल। इसकी इमेज देखिए, देखिए कितने जबरदस्त बादल हैं, इनको देख के लग रहा है कि हाँ जी बरसेंगे, क्योंकि ज्यादातर बादल जैसे कि गर्मियों के समय हम देखते हैं व्हाइट बादल रहते हैं, तो हर बादल से बारिश नहीं होती, परंतु ये वर्षा के बादल हैं वो अलग ही दिख जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स है होली, सैटर, ये काफी अच्छे इसके सिनोनिम्स। अब देख लेते हैं इसकी ट्रिक को। ट्रिक है रेनी सीजन में रेन क्लाउड्स आते हैं, बिल्कुल गर्मियों में भी नहीं आएंगे ना सर्दियों में आएंगे, वो रेनी सीजन में ही आएंगे, जब बारिश का सीजन स्टार्ट होता है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो उसी समय वो बादल आपको देखेंगे, वो बिजली कड़के की तड़ तड़ तड़, जब वो बादल आते हैं तो उस समय क्या होता है, वर्षा के बादल आते हैं, वर्षा के बादल आएंगे तो उनसे बारिश होती है, तो कब आएंगे, रेनी सीजन में। अब नेक्स्ट वो क्या है हमारा बहुत ही शानदार, इस बुक को देखते हैं एक्चुअरी। एक्चुअरी यानी होता है मुंशी। मुंशी से आपको क्या याद आता है, मुंशी ज्यादातर हम जाते हैं बीएसएनएल ऑफिस में, बैंक के अंदर हमको मुंशी दिखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एक्चुअरी काफी अच्छा वर्ड है, एक्चुअली था मुंशी। तो मुंशी की इमेज देखिए, ये देखिए आजकल इसको बोलते हैं क्लर्क। आपको हर ऑफिस के अंदर कोई ना कोई क्लर्क मिलेगा जो काम कर रहा होगा, और क्लर्क ही सबसे ज्यादा काम करते हैं, ज्यादातर लोग उनको ऑर्डर देते हैं, और क्लर्क हर जगह कंप्यूटर पर जो वर्क करते हैं उन्हें बोलते हैं क्लर्क। ठीक है, तो एक्चुअली होता है लास्ट वर्ड हमारा एक्चुअली मुंशी। इसके देख लेते हैं हम इसके सिनोनिम्स। इसका मतलब सब्सक्राइब वाला होता है सब्सक्राइब, तो क्राइब इसमें एस साइलेंट है, क्राइब, क्लर्क, अकाउंटेंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। अब हम देखते हैं इसकी ट्रिक को, इसकी ट्रिक कितनी शानदार है। एक्चुअरी पर एक्चुअरी जाते हैं, एक्चुअरी पर यानी कि एक्चुअरी जाते हैं, एक्चुअरी वर्ड है ना, इसमें ई और ए का अंतर है फ्रेंड्स, काफी इसको ध्यान से समझना, यानी कि मुआना नदी के पास कौन जाते हैं, मुंशी जाते हैं, जब वो काफी थक जाते हैं काम करते करते, जैसे कि देखो आप मोदी जी कितनी मेहनत की उन्होंने, इतनी सारी रैलियां की, इतनी सारी सभा की, सीधे वो कहां पहुंचे, सीधे पहुंचे वो बद्रीनाथ केदारनाथ। इसी प्रकार से एक क्लर्क जब वो थक जाता है, पस्त हो जाता है, पजल्ड हो जाता है मेहनत कर करके, तो वो कहां जाता है, वो एस्चुरी पे जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एस्चुरी का मतलब क्या हुआ, मुहाना, मुहाना नदी का मुहाना, तब वो जाता है नदी के किनारे संगम पे, जैसे इलाहाबाद के अंदर जिसका आजकल नाम बदल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने 10 बुक ऐप्स याद कर लिए हैं, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स। जब तक मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद दोस्तों, तो हम मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में।